हेलो मेरे प्यारे फूडीज, फिलहाल आम सीज़न में है तो क्यों ना उसका झटपट सा अचार बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक कच्ची कैरी ली है, उसको बढ़िया से धो के ड्राई कर लेते हैं और पीसेस में कट कर लेते हैं। कच्चे आम में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी के अलावा स्किन को सॉफ्ट रखने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब कटे हुए कैरी के पीसेस को एक साफ सुथरे बॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेडी पिकल मिक्स का इस्तेमाल किया है। इस मसाले में लाल मिर्च पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, मेथी पाउडर और हींग, इन सारी चीज़ों का मिश्रण मिलेगा। तो लगभग एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे मसाला लिया है, उसे डाल लेते हैं। उसके बाद डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब जाएगी चीनी। हमने यहाँ पे एक चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को अब हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें जाएगा तेल। तेल यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारा अचार थोड़े से लंबे समय तक टिका रहे। तेल गरम हो चुका है, अब डालते हैं इसमें एक चम्मच राई। जैसे ही आपकी राई फूल जाएगी इमीडिएटली हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब पूरे मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। याद रखिए, गरम गरम तेल को आप कैरी पे मत डालिए, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है, अब हम हमारे मसाले के ऊपर इसे डाल लेते हैं। बहुत बढ़िया कलर दिख रहा है और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आया है। तो इस तरह से हमारा कच्ची कैरी का इंस्टेंट पिकल तैयार है। आप इस अचार को कम से कम 15 दिन के लिए आराम से एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख सकते हो। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और रेसिपी के साथ। टिल द टाइम सी यू एंड बाय।